नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाएंगे और महानगर सहित पूरे जिले का हाल भी बताएंगे, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। 2 अप्रैल को मुख्यमंत्री पिपराइच में करेंगे दस्तक योजना और स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ। विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। मुख्यमंत्री के प्राथमिकताओं में शामिल विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में मंडलायुक्त अनिल कुमार ने कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। अवैध संबंधों में बाधा बनने पर टीचर पत्नी ने प्रेमी से कराई अपने पति की हत्या, एसएसपी शलभ माथुर ने किया मामले का खुलासा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिपराइच में आगमन के मद्देनजर जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेयन ने कार्यक्रम स्थलों का किया निरीक्षण। नवकी बीमारी के बचाव के लिए नगर निगम के सभागार में आयोजित हुई कार्यशाला। 5,000 के इनामी बदमाश और घटना में सहयोग देने पर उसकी पत्नी को भी शाहपुर और स्वात टीम ने किया गिरफ्तार, एसपी सिटी ने किया खुलासा। किरायेदारों का होगा वेरिफिकेशन, एसएसपी ने सभी थाना अध्यक्षों को दिए निर्देश। गीड़ा के सेक्टर नंबर 15 में गेहूं की कालाबाजारी का भंडाफोड़, एसडीएम पंकज श्रीवास्तव ने पकड़ी गेहूं की 146 बोरियां, अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज। विद्युत के निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति ने किया नुक्कड़ नाटक। और ईस्टर के पावन पर्व पर बशारतपुर चर्च से ईसाई समाज ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 अप्रैल को 1:30 से कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज पिपराइच में आएंगे और 1:40 से 2:40 तक दस्तक अभियान और स्कूल चलो कार्यक्रम का शुभारंभ करने के साथ साथ छात्र छात्राओं को ड्रेस का भी वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री यहां पर विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण और जनसभा को भी संबोधित करने के बाद 2:45 से 3:05 तक मलिन बस्ती सुभाष नगर का निरीक्षण भी करेंगे। उसके बाद 3:15 से 3:45 तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपराइच का भी निरीक्षण और टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करने के उपरांत गोरखनाथ मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। दूसरे दिन मुख्यमंत्री 3 अप्रैल को 9:40 पर जनपद देवरिया के लिए प्रस्थान करेंगे। वहां पर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के उपरांत 12:20 पर जनपद संत कबीर नगर के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां मुख्यमंत्री 12:40 पर जनपद संत कबीर नगर पहुंचकर संयुक्त जिला चिकित्सालय का निरीक्षण, जेई और एईएस टीकाकरण का शुभारंभ, स्पोर्ट्स स्टेडियम संत कबीर नगर के लोकार्पण मेले का उद्घाटन, स्कूल चलो कार्यक्रम का शुभारंभ, छात्र छात्राओं को ड्रेस आदि का वितरण, लाभार्थियों को प्रमाण पत्र का भी वितरण और विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण एवं जनसभा को संबोधित करने के उपरांत लखनऊ के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। यह जानकारी प्रभारी अधिकारी प्रोटोकॉल ने दी है। मुख्यमंत्री के प्राथमिकताओं में शामिल विकास कार्यों की समीक्षा बैठक मंडलायुक्त अनिल कुमार की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त अनिल कुमार ने निर्देश दिया है कि सभी कार्य तेजी से पूर्ण किए जाएं। उन्होंने फर्टिलाइजर, इंडियन बाल्टिक प्लांट, ऑडिटोरियम, एम्स, गन्ना शोध केंद्र का स्थानांतरण, रामगढ़ताल परियोजना की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पाया कि वाटर स्पोर्ट्स के लिए कार्य के लिए धन स्वीकृत हो गया है। उन्होंने चिड़ियाघर के समीक्षा में पाया कि दीवाल का कार्य 15 दिनों में पूर्ण हो जाएगा। जंगल कौड़िया से मोहद्दीपुर 4 लेन स्वीकृत हो चुका है, जिसका निर्माण कार्य भी शीघ्र आरंभ होगा। गोरखपुर वाराणसी मार्ग से निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने मुसहर एवं वनटांगिया गांव में आधारभूत सुविधाओं की भी समीक्षा की। उस पर के लिए
कंस्ट्रक्शन काम के लिए पावर सप्लाई है प्यार अंधा होता है। ऐसा ही एक नज़ारा चिलवाताल अंतर्गत क्षेत्र में मिला, जहां प्यार में पागल पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की ही हत्या करा दी, जिसका खुलासा पुलिस लाइन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर ने किया। एसएसपी ने बताया कि चिलवाताल क्षेत्र के कोयलवा में विनोद शर्मा की हत्या हो गई थी। उसके भाई मनोज शर्मा ने अपनी भाई के हत्या की तहरीर चिलवाताल थाने में दर्ज कराई थी। हत्या के खुलासे के लिए एसपी नॉर्थ गणेश साहा के नेतृत्व में टीम लगाई गई थी, जिसमें सूचना तंत्र के माध्यम से अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी शलभ माथुर ने बताया कि आशा शर्मा पत्नी स्वर्गीय विनोद शर्मा निवासी कोयलवा कुशीनगर में एक सरकारी स्कूल में टीचर है। स्कूल जाते समय उसका प्रेम संबंध पिपराइज थाना निवासी अनूप मोदनवाल पुत्र मोहन मोदनवाल से हो गया था, और जब दोनों का प्रेम परवान चढ़ने लगा तो उसके पति विनोद को उसकी जानकारी हुई, तो पति पत्नी में विवाद हो गया और पत्नी ने प्यार में बाधा बने पति को हटाने की बात अपने प्रेमी से कही। आरोपी प्रेमी ने अपने सहयोगी संदीप मद्देसिया के साथ मिलकर विनोद की हत्या कर दी। हत्या में प्रयुक्त 2 चाकू, 3 मोबाइल, मोटरसाइकिल और मृतक के खून के छींटे लगे अभियुक्त के कपड़े भी पुलिस ने बरामद किया है। हम दर्शकों को यहाँ पे बताते चलें कि इनके 2 मासूम बच्चे हैं जो अनाथ हो गए हैं। गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए घटना का खुलासा करने पर एसएसपी शलभ माथुर ने बताया, पहले भी एक दूसरे युवक को लेके घर के अंदर तकरार थी। की रात में, शुक्रवार की रात में एक व्यक्ति की हत्या की गई थी और ये थाना चिलवाताल क्षेत्र का मैटर और चाकू मार के उसकी हत्या की गई थी। घटना का अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। घटना के अंदर जो मृतक हैं उसकी बाइक और उसके 2 साथी के द्वारा घटना कारित कराई गई। जो मृतक है उसकी बाइक जो है एक जगह सरकारी टीचर का कार्य करती थी और वहीं पर जो है उसकी मित्रता एक व्यक्ति के साथ हो गई थी। इस चीज को लेकर अक्सर घर में तकरार रहा करती थी और इसके बाद इन्हीं लोगों ने मिलकर इन घटना को प्लान किया। घटना के दिन मृतक की बाइक ने जो उसके मित्र हैं और उसके एक साथी को फोन करके वहाँ पर बुलाया और अपने पति की लोकेशन दी और लोकेशन देने के बाद चाकू मार दिया गया और हत्या करने के बाद में दोनों लोग वहाँ से फरार हो गए। घटनास्थल के निरीक्षण के बाद से ये ऐसा प्रतीत हुआ कि किसी ऐसे व्यक्ति की साजिश है जो कि बहुत ही करीबी थी, घर के बाहर ही घटना चल रही थी। इसके अंदर सतत प्रयास करते हुए घटना का अनावरण करते हुए आला कतल और 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिपराइच में आगमन के मद्देनजर जिला अधिकारी के विजयन पांडेयन ने कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिया है कि 3 स्थलों पर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था सुनिश्चित करें। निरीक्षण के दौरान उनके साथ CDO अनु सिंह और SP नॉर्थ गणेश साहा भी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपराइच का भी निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने सुभाष नगर मलिन बस्ती का निरीक्षण किया। वहां लोगों को बताया कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस्ती का निरीक्षण करने के साथ लोगों को JEE और AES के विरुद्ध अभियान का शुभारंभ करने के लिए जागरूकता अभियान की जानकारी भी देंगे।
उन्होंने कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज में जनसभा स्थल का भी निरीक्षण किया। यहां मुख्यमंत्री दस्तक अभियान के अंतर्गत प्रचार प्रसार के लिए 45 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और स्कूल चलो अभियान के तहत नव प्रवेशी छात्र छात्राओं को ड्रेस, बैग, कॉपी, किताब, जूता, मोजा आदि का भी वितरण करेंगे। इस दौरान एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ, सीआरओ बलराम सिंह, सीएमओ डॉक्टर रविंद्र कुमार, बीएसए राम सागरपति त्रिपाठी एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। तो यार वो झाड़ू लगाना पड़ेगा। तो ये उठ जाएगा, उठ जाएगा, उठ जाएगा, बिल्कुल प्रतिभाग करेंगे। रविवार को नगर निगम के सभागार में महापौर सीताराम जायसवाल, नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह और उप सभापति राजकुमार सैनी की अध्यक्षता में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जापानी बुखार क्या है और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, इस पर चर्चा की गई। इस जानलेवा बुखार से बचाव का एकमात्र उपाय साफ सफाई और थोड़ी सी सावधानी ही काफी है। इसकी जानकारी को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला में जेई और एईएस से संबंधित विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। इस मौके पर सभी पार्षद और नगर निगम के कर्मचारी मौजूद रहे। हम सभी लोग जनपद गोरखपुर ही नहीं बल्कि बीमारी महामारी से अच्छी तरह बाधित हैं। विशेषकर लेकिन जो विगत वर्षों का डाटा है उसमें 70% मौतों का कारण अन्य व्यवस्थाएं रहती हैं, जो उनके अभिभावकों ने जानकारी न होने के कारण होता है। अभी इसके पहले एक कार्यशाला यहाँ पर हुआ था, उसमें
उसमें एक डॉक्टर साहब भी आए थे, इसके एक्सपर्ट डॉक्टर साहब थे, उन्होंने ये बताया था कि मच्छर कैसे काटते हैं, उसके अलावा कैसे डेवलप होते हैं, कहाँ पैदा होते हैं, कब काटते हैं। तो ये मच्छर जो है अक्सर इस बीमारी पर जो मच्छर होते हैं वो शाम के वक्त काटते हैं, शाम के वक्त ही काटते हैं इस मच्छर का। उन्होंने बात ये बताया था कि मच्छर कैसे डेवलप होते हैं, कैसे वो किसी को खाते हैं, कैसे उनका प्रजनन होता है। तो उसमें बचाव ये है कि हम लोग शाम के वक्त भी थोड़ा सा कपड़े पहने, घर में मच्छरों के लिए दवाइयाँ छिड़कें, तमाम तरह की उपाय है उसको हम करें ताकि मच्छर ना काटे हम लोग। उक्त लक्षण होने पर तुरंत मरीज को पास के सरकारी अस्पताल ले जाएं, जहां पर इस बीमारी का समुचित उपचार प्रबंधन निःशुल्क उपलब्ध है। झोला छाप डॉक्टर, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत ऐसे डॉक्टर होते हैं जो सिर्फ किसी डॉक्टर को वहाँ कुचरा करके सीख लेते हैं और अपना क्लिनिक खोल लेते हैं, ऐसे डॉक्टरों से बचना चाहिए इस खास करके इस बीमारी। अन्यथा होता क्या है कि वो इलाज अपना करते रहेंगे, जब मरीज का हालत कम बिगड़ जाएगा, जब तक उस व्यक्ति के पास कुछ पैसे होंगे, उस पैसे को जब फोन कर लेगा डॉक्टर, तब मरीज कहेगा भैया मेरे से बाहर है, इसको मेडिकल कॉलेज ले जाओ या कहीं और से डॉक्टर को ले। उससे हम लोगों को सबको जागरूक करना चाहिए कि अगर जो बीमारी होती है तो झोला छाप डॉक्टर चक्कर ना पड़े, मरीज का प्रतीक्षण। बच्चों को झाड़ियों में रहना चाहिए, सुबह इस रोग का मूल कारण है उसे आबादी से दूर रखें, घर के आसपास जल जमा न होने दें, झाड़ियों को उगने न दें, कम कार्यालय जल जमा के निकट हैंडपंप का पानी न पिए, पीने के लिए इंजन आता है हैंडपंप के पानी का प्रयोग करें, शौच के लिए शौचालय का प्रयोग करें, शौच के बाद जाने से पहले चलिए जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं दोबारा हेडलाइंस पर। 2 अप्रैल को मुख्यमंत्री पिपराइच में करेंगे दस्तक योजना और स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ, विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। मुख्यमंत्री के प्राथमिकताओं में शामिल विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में मंडलायुक्त अनिल कुमार ने कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। अवैध संबंधों में बाधा बनने पर टीचर पत्नी ने प्रेमी से कराई अपने पति की हत्या, एसएसपी शलभ माथुर ने किया मामले का खुलासा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिपराइच में आगमन के मद्देनजर जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेयन ने कार्यक्रम स्थलों का किया निरीक्षण।
नवकी बीमारी के बचाव के लिए नगर निगम के सभागार में आयोजित हुई कार्यशाला। 5,000 के इनामी बदमाश और घटना में सहयोग देने पर उसकी पत्नी को भी शाहपुर और स्वात टीम ने किया गिरफ्तार। एसपी सिटी ने किया खुलासा। किराएदारों का होगा वेरिफिकेशन। एसएसपी ने सभी थाना अध्यक्षों को दिए निर्देश। गीड़ा के सेक्टर नंबर 15 में गेहूं की कालाबाजारी का भंडाफोड़। एसडीएम पंकज श्रीवास्तव ने पकड़ी गेहूं की 146 बोरियां। अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज। विद्युत के निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति ने किया नुक्कड़ नाटक। और ईस्टर के पावन पर्व पर बशारतपुर चर्च से ईसाई समाज ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते। जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। गोरखपुर न्यूज के तरफ से एक विशेष ऑफर, ऐशपुरा के शोरूम जाइए और जितने भार का सोना आप खरीदेंगे उतना ही चांदी मुफ्त पाइए। अपने आप को गोरखपुर न्यूज का दर्शक बताइए और इस विशेष ऑफर का लाभ उठाइए। ब्रेक के बाद आपका फिर से इस बुलेटिन में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। शाहपुर पुलिस तथा स्वात टीम ने संयुक्त रूप से इनामी बदमाश सानू यादव पुत्र स्वर्गीय गजेंद्र यादव निवासी हट्टी माई स्थान थाना कोतवाली के साथ एक महिला आरोपी आकांक्षा यादव पत्नी शानू यादव को भी गिरफ्तार किया है, जो पकड़े गए इनामी बदमाश की पत्नी है। पकड़े गए अभियुक्त के पास से पुलिस ने 3 पीस सोने की चेन, 400 ग्राम गांजा और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने बताया कि शानू यादव पर विभिन्न थानों पर लगभग 18 मुकदमे दर्ज हैं। यह शातिर किस्म का अपराधी है जिसके गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित हुआ था। इसके पास लूट की चेन बरामद हुई है जो इसकी पत्नी पहनती थी और उसे ही ये जानकारी थी कि ये चेन लूट की है, इसलिए उसकी पत्नी को भी अभियुक्त मान लिया गया। गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए आगे जानकारी दी। उन्होंने बताया आज भोर में प्रभारी निरीक्षक शाहपुर एवं स्वाट टीम के द्वारा 15,000 रुपए का पुरस्कार घोषित इनामी अपराधी राहुल यादव और शानू यादव, और जो जनपद का शातिर लुटेरा और चैन स्नेचर है, इसकी ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तारी की गई। इससे 3 सोने की चेन बरामद हुई है और कुल 6 लूट की घटनाओं का खुलासा हुआ और इसका लंबा चौड़ा अपराधिक इतिहास है। और एक लूट की चेन इसने स्वीकार किया था कि इसकी पत्नी के पास है, जो उसकी पत्नी पहनी हुई थी, उसे बरामद किया गया और इसी में इसकी पत्नी को भी अभियुक्त बनाया गया। यह इसका एक फाइल है, इसका साथी है राकेश, उनका ट्रांसपोर्ट नगर का रहने वाला है। ये दोनों लोग मिल के ऑपरेशन करते थे, चेन स्नैचिंग करते थे या मोबाइल लूटते थे। राकेश कल गिरफ्तार, आज के ऑपरेशन में गिरफ्तार नहीं हो पाया, वो फरार हो गया। इनकी पत्नी के पास लूट का सामान बरामद हुआ है, लूटी हुई चेन इसकी पत्नी पहनती थी, इसने अपनी पत्नी को दे दिया था। हाँ, ये जानकारी होते हुए कि ये सामान या चेन जो है लूट की है, उसने उसको धारण किया हुआ था, तो इस तरह से वह 411 IPC का कर दिया। हाँ, ये भी कह सकते हैं।
फर्जी नाम बताकर किराए पर रहने वालों के खिलाफ एसएसपी ने सख्त रुख अपनाते हुए एसएसपी ने जिले के सभी थाना प्रभारी और निरीक्षकों को निर्देश दिया है कि सभी किराएदारों का सत्यापन करा लें, खास तौर पर नई बस्ती और कॉलोनियों में रहने वालों का। एक सवाल के जवाब में एसएसपी ने कहा कि बिना वेरिफिकेशन कराए रहने वाले किराएदार किसी वारदात में शामिल है तो मकान मालिक पर भी कार्रवाई हो सकती है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने बताया, ठीक है, ये आउटसाइडर्स जितने भी हैं उनकी वेरिफिकेशन ड्राइव चालू की गई, इसको लगातार हम लोग का प्रयास होगा सतत रूप से किया जाए। आज से चालू किया गया और नीट उप निरीक्षक थाना चौकी इंचार्ज जो हैं उनकी जिम्मेदारी तय करते हुए वहाँ पर जो वेरिफिकेशन है उससे फर्दवार की प्रक्रिया को पूरा कराते हुए डेली खास तौर से उन एरियाज को कवर करने का टारगेट रहेगा जो शहर के आउटसाइड्स के इलाके हैं जो नए बस रहे हैं। ये पूरी वेरिफिकेशन की ड्राइव होगी और इसके अंदर अगर अपेक्षित सहयोग जनता से मिलेगा तो ये हम लोग और भी अपेक्षित सहयोग इसमें रहेगा, उनको अवेयर करना और पूरे प्रोसेस से ब्रीफ करना इसकी ज़रूरत होगी। तो हम लोग थाने स्तर पर भी कमेटी का हम लोग इस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम चालू करेंगे ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को हम रोकथाम कर सकें। गोरखपुर के सहजनवाद थाना क्षेत्र में आने वाले गीड़ा के सेक्टर नंबर 15 में एसडीएम पंकज कुमार श्रीवास्तव ने उस समय छापा मारा जब उन्हें इस बात की भनक लगी कि पीडीएस प्रणाली के अंतर्गत आने वाले अनाजों की कालाबाजारी एक व्यक्ति के द्वारा की जा रही है। एसडीएम पंकज कुमार श्रीवास्तव ने स्थानीय पुलिस बल का सहयोग लेकर इस गोदाम में पहुंचे जहाँ पर तत्काल 146 बोरी गेहूँ पाया जिसे तुरंत सील कर दिया गया। आपको बताते चलें कि ये गोदाम एकला के रहने वाले संजय कुमार मदेशिया का है जिसके खिलाफ सार्वजनिक वितरण प्रणाली की धारा 3/4 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। धीरे से हिले ना, आराम से बना। आपका नाम? सुना था ना, कौन सा सेक्टर है? 15 सेक्टर 15 प्लाट नंबर क्या है आपका? ये बगल में फोन है रविवार को विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के सदस्यों ने निजीकरण के विरोध में विश्वविद्यालय के पंथ पार्क के मुख्य गेट पर विद्युत के निजीकरण से होने वाले नुकसान को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मंचन करके जनता के सामने प्रस्तुत किया। नाटक मंचन के दौरान जनता से अपील भी की कि इस अभियान में विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति का साथ दें और अपने नौनिहालों के भविष्य को बचाएं क्योंकि विद्युत के निजीकरण देश के लिए अच्छा नहीं है। बिजली विभाग के निजीकरण को लेकर एक नुक्कड़ नाटक, यमलोक का निजीकरण। तुम है हम है यम, पर हमें बहुत है गम। अरे यमलोक का भी निजीकरण हो रहा है, अब हमारा क्या होगा? पूरे ब्रह्मलोक का निजीकरण हो रहा है यमलोक का, और परलोक का भी हो जाएगा, इसे पृथ्वी भी हो रहा है। ये तो बहुत ही गड़बड़ हो रहा है हमारा। और ये बताओ, ये निजीकरण होने से नुकसान क्या होगा? महाराज ये तो पृथ्वी से आया है नुकसान लाभ, वही डिटेल पता चलेगा, डिटेल हमको नहीं पता है। अच्छा, तो पृथ्वी पर चलना पड़ेगा। हाँ चलो, चलिए। अरे भाषा को बुलाओ। क्या क्या भाषा? हाँ वो नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? अरे अपने ससुराल गया है। ससुराल गया? अरे भैंसे, आपके भैंसे के साली की शादी है, ससुराल नहीं जाएगा तो क्या करेगा? साली की शादी में कोई नहीं रुक पाता हमारा। बिजली का निजीकरण होने वाला है, यानी कि बिजली महंगी हो जाएगी। एक आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? बिजली महंगी हो जाएगी, अब मैं बिजली का बचत करूंगा, बिजली पंखा बंद कर दूंगा। पहले ट्यूबलाइट जल रहा है, इसको बंद करो, फ्रिज बंद करो, कूलर बंद कर दो,
कुछ नहीं चलाऊंगा, आम आदमी तो भूखे मर जाएगा। मैं बिना डोला के सोऊंगा लेकिन बिजली नहीं यूज करूंगा। बिना डोला मेरे रूम का लाइट किसने ऑफ किया? अरे बेटा मैंने ऑफ किया है, बिना डोला के पढ़ ले। अरे पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं, मेरे रूम का लाइट क्यों ऑफ कर दिया आपने? अरे बेटा तुझको पता नहीं, आज का पेपर पढ़, पेपर पढ़ कि बिजली का निजीकरण होने जा रहा है। ओ पिताजी मुझे पढ़ना है, लाइट चलाइए आप, पंखा भी ऑफ कर दिया, इतनी गर्मी में कैसे पढ़ूं लिखूं? बिना डोला के सो जाऊंगा लेकिन बिजली नहीं चलेगी। पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रहा है, पूछो इससे। ये जी कूलर चला ले। अरे नहीं कूलर मत चलाना, कूलर का खाली दो ही शिफ्ट चलेगा, दो ही सो, दोपहर में 12 से 3 और रात में 12 के से 3, बाकी दिन भर खाली बेना चलेगा। अरे फ्रिज क्यों नहीं ठंडा कर रहा है? अरे हम फ्रिज का लाइन काट दिए हैं भाग्यवान। अरे सुराही का पानी पियो, सुराही के पानी से पीने से बिजली बचेगी, शरीर भी हस्त पुष्ट रहेगा। बाबा रामदेव। स्त्री प्रेस कहाँ है? अरे कुछ नहीं, बिजली संबंधित सब सामान हटा दिए हैं। कुछ मत जलाओ, कुछ मत चलाओ, कपड़ा प्रेस करना है तो बिछौना के नीचे डाल दो और ऊपर से सो जाओ। उठाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। हम बहुत बड़े भूत हैं, मानव से डरते हैं, हम मानव से नहीं डरते हैं। बहुत बढ़िया किया, एक बार और करिएगा। नौटंकी वाले लगते हैं, क्या और करिएगा? मतलब और क्या करिएगा? बिजली घर का नया कोनो नियम निकला है का कि मतलब डरा के लोगों से पैसा वसूलना? पहले बता रहे हैं अब पिछले महीने का बिजली दे दिया है, एहू महीने का दे दिया है, अगले महीना से नहीं देंगे। ना बिजली चला रहे हैं, ना पंखा चला रहे हैं, ना बत्ती चला रहे हैं, सब सब भंगार वाले को बेच देंगे, हम बिजली नहीं भरा। हमको लग रहा है जब बिजली विभाग का निजीकरण होगा तो ऐसे ही खतरनाक रूप धारण करके सब बिजली का बिल वसूलेंगे। अच्छा ये बताओ कि विद्युत विभाग का निजीकरण होगा तो तुम्हें इससे क्या परेशानियाँ होगी? बहुत दहियार आदमी है लेकिन निजीकरण का संबंध में बात है, अगर निजीकरण संबंधित है तो हम आपको समझा रहे हैं। एक तो वेशभूषा ऐसे पकड़े हुए हैं, ऐसे आदमी का हार्ड मुंह में आ जा रहा है, बता रहे हैं आपको निजीकरण हो जाएगा तो भैया बहुत परेशानी है। ये बताइए हम प्राइवेट आदमी है, 15,000 कमाने वाले, और निजीकरण हो जाएगा बिजली का तो जहाँ हम पहले 1,500 रुपया देते थे बिजली का, एक यूनिट का 5 रुपया, मान लीजिए निजीकरण हो जाएगा तो बिजली का बिल बढ़ेगा, एक यूनिट का 10-15 रुपया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम गवर्नमेंट से तो नहीं रहा है, गवर्नमेंट से तो कुछ जुगाड़ भी निकालते। अभी बताइए उतना पैसा कहाँ से देंगे? 4,500 रुपया महीने का बिल आएगा, उसके बाद 5,000 रुपया घर का किराया देंगे। प्राइवेट आदमी 5,000 रुपया में या तो खुद खाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, पढ़ाएंगे कहाँ से? अब बताइए, समझ गया, बहुत बड़ी समस्या है हमारा, ऐसे हमारा भी हो जाएगा, हम लोगों को भी इसी तरह 5,000 तक का मिलेगा, पता नहीं क्या क्या होगा। हम लोग भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी तो छोटी छोटी 4 बीबियां हैं, 4 बीबियां हैं हमारी समस्या नहीं है, ये सबकी समस्या है, सबका आवाज उठाना पड़ेगा, मिल करके सरकार के सामने अपनी बात रखनी पड़ेगी, अपनी समस्याओं को बताना पड़ेगा। उठाऊंगा गरीब और गरीब होगा। चलिए है, सोचे थे बीटेक करके कोई अच्छी सी नौकरी करेंगे, प्राइवेट नौकरी करने गए तो क्या 5,000-7,000 दे रहे थे, सोचे कि सरकारी नौकरी करेंगे तो क्या खरखाक सरकारी नौकरी करेंगे, सब विभाग जब प्राइवेट हो जाएगा तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? सही बात है। अभी रेल में तमाम सारे पे स्टेशन को प्राइवेट किया गया, अब सुनने में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में विद्युत विभाग को प्राइवेट किया जा रहा है, कहाँ से सरकारी नौकरी मिलेगी बताइए? हाँ सही बात है, सही बात है महाराज। अरे लेकिन नौकरियां तो निकल भी रही है ना सरकार से, सर ही निकला है। अरे क्या सर, रेलवे में तो निकला है, 90,000 वैकेंसी है और 2.5 करोड़ लोगों ने फार्म भरा, इतनी तो ऑस्ट्रेलिया की पूरी जनसंख्या भी नहीं है।
नौकरी मिलेगी तब भी 2,40,00,000 और 10,000 लोग बेरोजगार रह जाएंगे नौकरी पाने के बाद भी। इतने बेरोजगार भारत में, और क्या, वो भी सिर्फ रूटी की नौकरी के लिए। अच्छा, टेंशन नहीं है, ये बताओ मानो, अगर बिजली विभाग का भी निजीकरण होगा तो नौकरी तो मिलेगी ना? हाँ, हाँ। मिलेगी नौकरी, लेकिन तब हम सरकारी नौकर नहीं कहलाएंगे, एक पर्टिकुलर उद्योगपति का नौकर कहलाएंगे हम। हम सरकारी नौकरी के नहीं, हम एक उद्योगपति के हाथों नौकरी करेंगे और वो हमें 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 रुपए देगा अगर अधिक क्वालिफाइड रहेंगे। यही यदि सरकारी नौकरी होगी तो हम 15,000 से 20,000, 25,000 रुपए कमाएंगे, जिससे हम और हमारा परिवार का भरण पोषण होगा। लेकिन इससे 5,000, 7,000 से हमारा खुद का खर्चा नहीं चलेगा तो परिवार का कहाँ से खर्च चलेगा? महाराज मतलब अगर यमलोक का भी निजीकरण हो गया तो कोई परिवार नहीं चल सकता है इसके कर्मचारियों, इसके तनख्वाह से अपना खर्चा मुश्किल से भले चल जाए। तो यमलोक का भी निजीकरण होगा क्या? हाँ महाराज, धीरू भाई अंबानी पहुंचे हुए हैं, आपका पूरा विभाग लेना चाहते हैं। अरे ऐसे कैसे ले लेंगे, हलवा पूरी है का? हम लोग ले लेंगे। अरे मेरा भाई साहब पूरा तबाही मचा देगा। हाँ सही बात है, ये आम जन की समस्या है, देखिए पड़ेगा। 1500 करोड़ घाटे जा रहा है, 1500 करोड़ के लिए आगे सरकार कर रहा हूँ, और आप गोरखपुर जो निजीकरण के नाम पर बेच रहे हैं लोग, आपका 2 रुपया प्रॉफिट में जा रहा है गोरखपुर, 2 रुपया प्रॉफिट में जा रहा है। कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते हैं, इस तरह से मैं बिजली बंद बेच रहा हूँ। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, आपने 24 घंटा बिजली दिया, मैंने जनता को 24 घंटा बिजली दिया, साल भर के अंदर आपने व्यवस्था दिया, बिजली दिया, जनता के घर तक 24 घंटा बिजली पहुँचा रहे हैं, यही चलते यही कर्मचारी पहुँचा रहे हैं। कर्मचारी चोर समझते हैं आप, इतने बड़े विधायक लोकसभा के सांसद एक दिन के लिए छूटते हैं, तभी आज हमारे पेंशन पाते हैं, एक दिन के लिए छूट जाते हैं। एक कर्मचारी 40 साल 3 साल सर्विस करते हैं, उसके बाद ये पेंशन के हकदार नहीं है, ये कहां का अन्याय है? हम क्या आपसे मांग रहे हैं? आप एक भी टैक्स भी नहीं देते हैं, कोई भी सांसद विधायक जो टैक्स नहीं देता है, आपने जानकारी बता दूं, कोई टैक्स नहीं देता है, उनके वेतन में कोई टैक्स नहीं रहता है, उनके खाने में कोई टैक्स नहीं है, यहाँ तक पेट्रोल डीजल मोबाइल खाने के लिए चिकित्सा सब फ्री है। एक आम कर्मचारी का उसके वेतन पर हर साल 5 महीने में टैक्स काट लिए जाते हैं, तब भी वो पेंशन का हकदार नहीं है, आप कोई टैक्स नहीं देते हैं, तब भी आप पेंशन पाते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ सभी सांसद विधायकों को, आइए हम भी पेंशन नहीं लेंगे, आप भी पेंशन मत लीजिए, अजय अवसर धकड़ा जाइए मैदान में, हम भी समाज का सेवा कर रहे हैं, अभी समाज का सेवा करेंगे। ईसाई समाज के पावन पर्व ईस्टर के उपलक्ष्य में रविवार को बशारतपुर स्थित चर्च से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में शहर के विभिन्न चर्चों से मनमोहक झांकियां देखते ही बन रही थीं। हजारों की संख्या में ईसाई समाज के लोगों ने शोभा यात्रा में शामिल हुए और इस मौके पर सामाजिक संगठनों द्वारा भी विभिन्न जगहों पर जलपान की व्यवस्था भी की गई थी। आज रवि यीशु मसीह मुर्दों में नहीं है, आज रवि यीशु मसीह, हमारा यह विश्वास है कि आज रवि यीशु मसीह ईस्टर संडे के दिन जी उठा, और यही वो शुभ संदेश है जो हम आपको देना चाहते हैं। बहुत से लोग इस पृथ्वी पर केवल इसलिए आए कि लोगों का नरसंहार किया जाए, पापियों को मारा जाए, लेकिन बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पे इसलिए आया कि पापियों से मोहब्बत की जाए। जो लोग प्रेम का संदेश देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आए। अजीजों आज आप देख रहे हैं पूरे विश्व में केवल एक ही चीज नहीं पाई जाती है, और वो है प्यार, वो है प्रेम, और प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रेम के संदेश को हमको दिया, और वही संदेश हम आपको देना चाहते हैं। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, उसी तरीके से आज को हम आपको बताना चाहते हैं कि हम और आप हर गुनाह से बचाए जा सके, हम और आप हर पाप से बचाए जा सके, और रोग का मार्ग प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिखाया, और का मार्ग प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिखाया। आपने शोभा
सारे पाप साफ होंगे और हमें अनंत जीवन प्राप्त होगा। गोरखपुर की समस्त जनता को मसीह समुदाय का नमस्कार। पहले जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। 2 अप्रैल को मुख्यमंत्री पिपराइच में करेंगे दस्तक योजना और स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ। विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। मुख्यमंत्री के प्राथमिकताओं में शामिल विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में मंडलायुक्त अनिल कुमार ने कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। अवैध संबंधों में बाधा बनने पर टीचर पत्नी ने प्रेमी से कराई अपने पति की हत्या, एसएसपी शलभ माथुर ने किया मामले का खुलासा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिपराइच में आगमन के मद्देनजर जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेयन ने कार्यक्रम स्थलों का किया निरीक्षण। नवकी बीमारी के बचाव के लिए नगर निगम के सभागार में आयोजित हुई कार्यशाला। 5,000 के इनामी बदमाश और घटना में सहयोग देने पर उसकी पत्नी को भी शाहपुर और स्वात टीम ने किया गिरफ्तार, एसपी सिटी ने किया खुलासा। किरायेदारों का होगा वेरिफिकेशन, एसएसपी ने सभी थाना अध्यक्षों को दिए निर्देश। गीड़ा के सेक्टर नंबर 15 में गेहूं की कालाबाजारी का भंडाफोड़, एसडीएम पंकज श्रीवास्तव ने पकड़ी गेहूं की 146 बोरियां, अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज। विद्युत के निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति ने किया नुक्कड़ नाटक। और ईस्टर के पावन पर्व पर बशारतपुर चर्च से ईसाई समाज ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन तक के लिए करिए हमारा इंतजार और देखते रहिए गोरखपुर न्यूज। नमस्कार।